नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या कहते हैं सितारे आपके। सितारे स्टार आपकी कितनी पावर रखते हैं आपके हस्तरेखा में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए देखते हैं सितारे क्या कहते हैं आपके हाथों में। सबसे पहले ये स्टार क्या है। स्टार एक तरह की ताकत है, ऊर्जा है। किसी भी पर्वत पर होते हैं तो उसको गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको ताकत देने का काम करते हैं। सबसे पहले ये बुध का जो पर्वत है, इसको हम बुध का पर्वत बोलते हैं। बुध का पर्वत के ऊपर अगर ये स्टार बनता है, बुध क्या है, एक कैलकुलेशन का पार्ट है, किसी चीज की गहराइयों में जाना, किसी चीज के रिसर्च में लग जाना। जैसे कहते हैं कि रिसर्चर यहां पर किसी एक भी काम में आपको रिसर्च करवाता है, ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं जो अपने काम की एक्टिविटी को देते हैं, एक खोज करते हैं। इसी प्रकार से यह सन का माउंट है। सन के माउंट पर स्टार क्या करता है, मान सम्मान दिलाता है, आपको फेमस करवाता है, आपके पावर को जगाता है, और यहां पर पैसा भी देता है। इसी प्रकार से यह शनि का पर्वत है, शनि के पर्वत के ऊपर स्टार आपको फेम दिलाता है, आपको पैसा दिलाता है। लेकिन वो पैसा आप सही तरीके से कमाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, तो आपको माला माल बनाता है यही शनि। लेकिन अगर वो गलत तरीके से किसी को परेशान करने का काम करते हैं तो यही शनि कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट का भी काम करने का काम करता है। इसी प्रकार से ये गुरु का, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं। गुरु का पर्वत मान सम्मान का है, सफलता देता है, फेम देता है, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिलता है, और बड़े लोग आपकी मदद करने को आपके पास तैयार रहते हैं, सफलता देती है, गेन देता है। इसी प्रकार से ये मंगल के, ये मंगल का है, निम्न मंगल का है, निम्न मंगल के ऊपर ये स्टार क्या करता है, आपके पावर को बढ़ाता है। ऐसे लोग फिजिकल पर्सन होते हैं, शरीर के काफी रिष्ट पुष्ट होते हैं, ताकतवर होते हैं, और इनकी जो पराक्रम है, अपने पराक्रम के बदौलत काफी एनर्जी इनके भरपूर होती है, और ऐसे लोग अपने जीवन काल में काफी जमीनों के मालिक बनते हैं। और इसी प्रकार से यह शुक्र का पर्वत है। शुक्र के पर्वत के ऊपर स्टार ये क्या करता है, आपके पावर को बढ़ाता है, आपके शक्ति को बढ़ाता है, लग्जरियस लाइफ देता है। और यहां पर अगर स्त्री है तो पुरुष इनके लाइफ में आते हैं, और पुरुष है तो स्त्री अवश्य इनके लाइफ में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है। और ये ज्यादा देर तक इनका जो संबंध होता है ज्यादा दिनों तक नहीं होता है, थोड़े समय के लिए अवश्य करवा देता है। इसी प्रकार से ये केतु का है। केतु के ऊपर ये स्टार जो है, स्टार यहां पर आपको गूढ़ विद्याओं से, जैसे कि ज्योतिष हुआ, पामिस्ट्री हुई, न्यूमरोलॉजी हुई, इन गूढ़ विद्याओं में आपको निपुणता दिलवाता है, मास्टर बना देता है। इसी प्रकार से ये चंद्रमा
का पर्वत है, चंद्रमा का पर्वत के ऊपर स्टार, यहां पर कई बार पेट की खराबी देता है और यहां पर स्टार का होना काफी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे लोगों को सरकार से सम्मान अवश्य मिलता है। और जो सबसे शुभ फल प्रदान करता है स्टार, वह हमारे राहु का क्षेत्र है। ये राहु का क्षेत्र है। राहु क्या है? राहु एक तरह का करंट है, जिसको कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, बटन दबाते ही लाइट एक दूसरे के कमरे में जल जाती है, वैसी एनर्जी बढ़ती है राहु के पर्वत पर। अगर यहां पर राहु के पर्वत पर स्टार है, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में 6 से 8 बार तक इनको काफी पैसों की बढ़ोतरी करवाता है, अचानक से गेन देता है, अचानक से पैसे देता है किसी चीज को। जैसे कि मान लो आज आपने टिकट लेके आया कोई, और वो टिकट का नंबर आपको लॉटरी लग गई, आपको गेन देता है। इसी प्रकार से कई बार आपको यहां पर बेनिफिट दिलाता है। और ये गुरु के पर्वत के ऊपर स्टार था। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।